हेलो फ्रैंक, कैसे हैं आप सब? स्नैक्स खाना किसे पसंद नहीं? जैसे कि स्नैक्स बनाने के लिए ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे स्नैक्स एकदम क्रंची बनते हैं। ब्रेड क्रम्ब्स हम कैसे बनाएं एकदम बाजार जैसे? तो आज हम बनाते हैं ब्रेड क्रम्ब्स कुक विद साहिबा पे। यहाँ मैंने 4 ब्रेड के पीस लिए हैं। ब्रेड के एंड्स काट कर निकाल लें और चाहें तो ना भी निकालें। इनके छोटे छोटे पीस काट कर ग्राइंड कर लें। इन्हें हम ब्रेड क्रम्स कहते हैं। ब्रेड क्रम कम से कम 1 महीने तक चलें, चाहे हम फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ये खराब नहीं हो। इसके लिए हम क्या करें आइए देखते हैं। ब्रेड क्रम्स को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करें। इन्हें रोस्ट करते हुए फ्लेवर के लिए इसमें क्या क्या डालें आइए देखते हैं। इनमें मैंने 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स को एक अच्छा सा कलर देने के लिए आप इसमें ऑरेंज, रेड, येलो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। कलर को थोड़े से पानी में मिक्स करके क्रम्स में डालकर अच्छी तरह से लो फ्लेम पर मिक्स करें। ब्रेड क्रम हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब ये किसी भी स्नैक्स की कोटिंग के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं इसका यूज करना बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुक विद साहिबा पर मैं बहुत जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।